बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट का ख़जाना। तो आज हम बना रहे हैं 12 रबी अव्वल की स्पेशल डिश जर्दा। तो ये जर्दा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बना है। इसे कुछ लोग मीठा चावल भी बोलते हैं। तो इसे हमने बहुत ही इजी तरीके से बनाया है, और अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो हर स्टेप को आप फॉलो करें। ये बहुत ही मज़ेदार बना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हमने लिया है 250 ग्राम हमने सेल्हा चावल लिया है। हमने इसे भिगा के रख दिया। इसे हमें 15 से 20 मिनट भिगा कर रख देना है, और फिर हम जो है इसे उबाल लेंगे। और हमने लिया है चीनी। तो हमें चीनी और चावल को बराबर ही लेना है। हमने 250 ग्राम हमने चावल लिया, तो हमने 250 ग्राम ही हम चीनी लेंगे। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा हल्का सा निकाल भी सकते हैं। वैसे इतना बराबर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट मिठास आएगी। और हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, हमने कोकोनट लिया है, और हमने जो है काजू लिए थोड़े से, थोड़ा सा हमने चिरौंजी लिया है, और हमने किशमिश लिया है। और फिर हम जर्दे में जो तड़का लगाएंगे उसके लिए हमने लिए लिया है दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग। और हम जो है वो चावल के पानी के लिए जो है हम जो है कलर ले रहे हैं, तो हमने एक चम्मच भरकर हम कलर डालेंगे। कलर आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग ऑरेंज डालते हैं और रेड डालते हैं। तो फिर हमने जो है पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। ये देखिए हमने इसमें जो है कलर भी डाल दिया है। ये इस तरह से हमने बिल्कुल रेड कलर डाला है, और पानी अब हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें जो है भीगे हुए चावल को डाल देंगे। तो चावलों को डालने के बाद हमें जो है चावल को अच्छे से उबाल लेना है। और फ्रेंड्स, हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स की जो है लिस्ट को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। और अब देख लेते हैं, चावल हमारा पक गया है। तो हमें चावल को पूरा 100% पका लेना है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो चावल हमारा जो है ये देखिए एकदम अच्छे से पक गया है। अब हम इसे जो है छान लेंगे। तो छानने के लिए जो है हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें जो है हम ये जो है इस तरह का झन्ना रखेंगे, फिर इसमें इसको छान देंगे। इसका सारा पानी हम निकाल लेते हैं। तो अब हमने छान लिया, अब इसमें से हम इसे निकाल लेते हैं। और अब जो है अब हम तड़का लगाएंगे जर्दे के लिए। तो ये देखिए, आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। वैसे मीठा जर्दा है जो है देसी घी में ही अच्छा बनता है, तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं, आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, डालडा भी डाल सकते हैं। तो हमने इसमें रिफाइंड डाला है, इसमें लौंग इलायची का हमने तड़का लगा दिया है। तड़का लगाने के बाद हम जो है एक अलग बर्तन में उस रिफाइंड को निकाल लेंगे, और थोड़ा सा तेल इसमें रहने देंगे कि ताकि इसके तले में जो है ये चावल चिपके ना। तो हम आधे चावलों को इसमें डाल देंगे। तो आधा चावल हमने डाल दिया, अब इसके ऊपर से हम चीनी डाल देंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो आधा आधा करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो पूरी भी आप चीनी डाल दें फिर उसके ऊपर से चावल डाल दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से जर्दा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बहुत लोगों की शिकायत होती है चावल ऐंट गया और चावल कड़े हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो जर्दा बहुत ही अच्छा बनेगा, बिल्कुल जैसे शादियों में बनता है उसी तरह से जर्दा, बिल्कुल एक एक चावल मुलायम और खिले खिले से चावल हमारे बनेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बनता है इस तरह से जर्दा। और जो बची हुई चीनी थी हम ऊपर से डाल दे रहे हैं, और फिर हमने जो ये रिफाइंड तड़के वाला था इसे हम ऊपर से डाल देंगे।
तो हमने सब कुछ डाल दिया है। अब हम इसे चढ़ा देंगे चूल्हे पे। जब जो हमने इसमें जो है अब इसका जब सारा जो है चीनी जो है ड्राई हो जाएगा, अच्छे से वो सोख लेगा चावलों में, तो जो है हम इसे उतारेंगे। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी इसमें काफ़ी जो है चाशनी बन गई है चीनी की, तो अभी इसमें टाइम लगेगा, कम से कम 5 मिनट और लगेगा इसे सूखने में। तो इसे सूख जाने देते हैं। तो फ्रेंड्स हम अब दोबारा से चेक कर रहे हैं, अब देख रहे हैं। तो ये देखिए अब इसका जो है जो हमने चीनी डाला था ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, बिल्कुल सूख गया है। तो अब ये हमारा जर्दा बन कर के तैयार हो गया। अब हम इसे जो है उतार लेते हैं। तो ये देखिए जर्दा हमारा बन कर के तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो है डाल देते हैं, हमने लिया है, हम इसके ऊपर से किशमिश डाल देते हैं। फिर हम इसमें ऊपर से काजू डाल देंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई भी करके डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। और फिर हम जो है इस जो है खोए को भी डाल देंगे। हमें इस तरह से इसे जो है अच्छे से फोल्ड लेना है और फिर इसमें जो है वो ऊपर से अच्छे से डाल देंगे। जो है ज़्यादा जब हल्का ठंडा हो जाए तब डालेंगे, नहीं तो खोया बिल्कुल से उसमें मिक्स हो जाता है। तो थोड़ा ठंडा करने के बाद हम खोया डालेंगे इसमें इसके ऊपर से। और फ्रेंड्स आप इसमें जो है 1 चम्मच केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, हमने आपको दिखाना भूल गया है। तो फ्रेंड्स आप सब हमें ज़रूर बताइए कि हमारा ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा है।